तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत, आपका स्वागत करता हूँ टीवाईजी सॉफ्टवेयर गुरु के ब्लॉग फ्रेश न्यूज कमाल के एपिसोड के अंदर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रियलमी के 5S और रियलमी 3 प्रो के बारे में, और जानेंगे कौन सा फ़ोन हो सकता है आप लोगों के लिए बेस्ट 10,000 रुपये की रेंज के अंदर, क्योंकि अभी तक आपका रियलमी का 5S को इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं किया गया है और अभी रियलमी 3 प्रो अभी आपको इंडिया के अंदर मिल जाता है। सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करेंगे इन्हीं दोनों फोन्स के बारे में, जानेंगे किस फोन की स्पेसिफिकेशन है बेस्ट। सो आज की इस पूरी वीडियो को एंड तक देखना, एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक मार के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड उस बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्टिंग करेंगे दोनों फ़ोन के स्क्रीन के साथ के साथ। तो बता दूं, जहां पे आपको रियलमी के 5S में देखने को मिलता है 6.51 इंच का HD+ वाला डिस्प्ले जो कि आपका बहस 270 PPI पर, वहीं पे आपको रियलमी के 3 प्रो में देखने को मिलता है 6.3 इंच का फुल HD+ वाला डिस्प्ले जो कि आपका बहस 409 PPI पर। तो बता दूं कि अगर आप डिस्प्ले क्वालिटी बात कर लो तो ऑफकोर्स आपका रियलमी 3 प्रो का डिस्प्ले ज़्यादा बेटर होगा अकॉर्डिंग ऑफ रियलमी 5S, एंड आपको रियलमी 3 प्रो का जो छोटा वाला वेरिएंट आता है 3GB रैम वाला, वो आपको 10,000 रुपये में मिल जाएगा। इसके आगे बात कर ले अगर दोनों फ़ोन के अगर रैम और रोम के बारे में, तो बता दूं जहां पे आपको रियलमी के 5S में 10,000 रुपये में 4GB रैम 64GB की इंटरनल मेमोरी देखने को मिलती है, वहीं पे आपको रियलमी के 3 प्रो में 12,000 रुपये में 4GB रैम 64GB की इंटरनल मेमोरी देखने को मिलती है। इसके आगे बात कर लें अगर हम दोनों फ़ोन के कैमरा के मामले में, तो बता दूं यहाँ पे आपको रियलमी के 5S में 48+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप दिया जाता है, वहीं आपको रियलमी के 3 प्रो में 16+5 मेगापिक्सल के डुअल प्राइमरी कैमरा दिए जाते हैं। और बात करें फ्रंट कैमरे की, तो बता दूं जहाँ पे आपको रियलमी के 5S में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जाता है एक वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर, वहीं आपको रियलमी के 3 प्रो में 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जाता है आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर। तो बता दूं कैमरा की क्वालिटी के मामले में ऑफकोर्स आपका रियलमी का 5S बेटर होगा प्राइमरी कैमरा में, और फ्रंट कैमरा में आपका रियलमी का 3 प्रो कहीं ना कहीं आगे निकल जाता है। अब आपको सोचना है कि आपको अपना फ़ोन किस लिए चाहिए। इसके आगे बात कर लें अगर दोनों फ़ोन के बैटरी बैकअप के बारे में, तो बता दूं यहाँ पे आपको रियलमी के 5S में दिया जाता है 5000mAh का बैटरी बैकअप, वहीं आपको रियलमी के 3 प्रो में दिया जाता है 4045mAh का बैटरी बैकअप। और रियलमी 3 प्रो आपका वूक 3.2 की चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो ऑफकोर्स चार्जिंग के मामले में आपका रियलमी का 3 प्रो ज़्यादा फास्ट फ़ोन को चार्ज करेगा। इसके आगे बात करें दोनों फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में, तो बता दूं जहां पे आपको रियलमी के 5S में दिया जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 665 वाला प्रोसेसर जो कि आपका बेस्ड है ऑक्टा कोर के ऊपर, वहीं आपको रियलमी के 3 प्रो में दिया जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 वाला प्रोसेसर जो कि आपका बेस्ड है ऑक्टा कोर के ऊपर। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के बाद अपना अगर आप रिजल्ट चाहेंगे, तो रिजल्ट के मुकाबले आपका जो रियलमी 3 प्रो है वो आपका बेटर होगा रियलमी 5S से। और अगर आप उसका 10,000 रुपये वाला वेरिएंट लेते हो जिसमें आपको 3GB रैम 32GB की इंटरनल मेमोरी देखने को मिलती है, सो वो ऑफकोर्स वो आपका रियलमी 5S से ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा और ज़्यादा तेज चलेगा। सो गाइस, अगर आप मेरा सजेशन मानेंगे तो आपको रियलमी का 3 प्रो लेना चाहिए, क्योंकि 5S का माना कैमरा ज़्यादा है, बट अगर आपको एक गेमिंग फ़ोन चाहिए तो आपको रियलमी का 3 प्रो लेना चाहिए। सो गाइस, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी लाइक करके बताना, एंड चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ में बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलेंगे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।